हेलो गाइस फ्रेंड्स, अपने टाइटल देख लिया होगा। जो आज का टॉपिक भाई इंस्टॉलेशन वीडियो है जेड यूआई की है। इसमें मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, बट उस वाली जीएसए में जो प्रीवियस बिल्ड था अप्रॉक्स भाई 8 से 10 महीने हो चुके जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, बिल्कुल सेम थी इंस्टॉलेशन वीडियो। बट इसमें थोड़े चेंजेस है, ये जो प्रोसेस थोड़ा लंबा है और बहुत बग्स फिक्स है इस वाले बिल्ड में, इस जीएसआई में बिल्कुल सेम ही, वो भी जेड यूआई 11 थी, अभी जेड यूआई 11 है। बट इसमें ये उससे अगर आप कंपेयर करो प्रीवियस बिल्ड से तो बहुत स्टेबल है यार। परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए पबजी के लिए मेन भाई बहुत ठीक है, क्योंकि अगर आप मेरे ग्रुप में आपको भाई जो मेन डेवलपर है इस जीएसआई के तरह से आप कह सकते हो, उन्होंने भी एक वीडियो शेयर करी थी रिगार्डिंग पबजी कैसे चलती है, तो भाई बहुत सही चल रही थी ग्राफिक्स के हिसाब से देखा जाए तो उसी का इसका इंस्टॉलेशन वीडियो इस जीएसआई का जेड यू 11 जीएसआई का स्टेबल जीएसआई का ऑन आर मी एम एन। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन टेक, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने तक नहीं करा है। और एज ऑलवेज अगर वीडियो में तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा बट इजीली आराम से समझाऊंगा ताकि सबको समझ आए। सबसे पहले आपने जियो फिक्स की नेगेटिव टेरेबल रिकवरी करनी है, ना कि सिंपल रिकवरी। एडवांस में जाना है, रिसोर्ट मैनेजर में स्वाइप टू एग्जीक्यूट और आप यहाँ पे अपने इनेबल टेरेबल कर देना है। मैं इसलिए नहीं कर रहा, फिर दोबारा मुझे पीछे से कॉपी ये सब करना पड़ेगा। इनेबल टेरेबल करने के बाद आपने रिबूट टू रिकवरी कर देना, वो अपने आप ही हो जाएगा, इतना कुछ नहीं लेना आपने करना नहीं है। ये करने के बाद आपने बैक आना है, यहाँ पे आपका बैक मतलब बैकअप में शो होगा आपका कि वेंडर आप पे शो हो रहा है, मीन्स आपका फ़ोन टेरेबल हो चुका है। इंस्टॉल में जाना है, इंस्टॉल में जाने के सबसे पहले जो आप काम करना है जो आपका वेंडर है वो इधर आपने फ्लैश करना है, इंस्टॉल इमेज वेंडर लेटेस्ट रिसॉर्ट लिंक ऑल विल मीन द डिस्क्रिप्शन ऑल फाइल्स लिंक आई मीन सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वेंडर इमेज कन्फर्म टू फ्लैश, और ये आपको लिखा है कि अनेबल टू लोकेट पार्टीशन बाय बैकअप नेम मॉडम, इसको इग्नोर करो। कुछ भी आपको लिखा है इसको इग्नोर करो, जब तक आपको यहाँ पे फेल्ड का कोई एरर आए फिर थोड़ा सीरियसली लेना, तो सब कुछ इग्नोर। अगर हाँ यहाँ पे सक्सेसफुल है तो सब कुछ ठीक है, आपका यहाँ पे वेंडर हो चुका। वेंडर के बाद यहाँ पे जो आपकी जीएसआई इसको हम फ्लैश कर लेते हैं, सिस्टम इमेज कन्फर्म टू इसको उधर हम फ्लैश कर देते हैं। यहाँ पे जो आपकी जीएसआई उधर फ्लैश हो रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो आप जीएसआई डाउनलोड करोगे वो करना 11.3, यू हैव टू डाउनलोड जीएसआई बिल्ड वर्जन 11.3 नॉट 11.5। 11.3 कॉस मी एन के आपको पता है 3 GB का पार्टीशन है, तो अगर आप 11.5 वाला वर्जन करोगे तो वो फिर आपका बन जाएगा 3.15 GB का आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द जिप फाइल, ठीक है। तो अगर आप 11.3 करते हो तो आपको फिर एरर नहीं आएगा। इफ़ यू डाउनलोड द बिल्ड वर्जन 11.3 देन यू विल नॉट फेस द एरर ऑफ अनेबल टू फ्लैश आई मीन अपडेटेड 255 एरर, एंड इफ़ यू विल फ्लैश बिल्ड वर्जन 11.5 देन यू विल फेस द एरर अपडेटेड 255, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे संभल के रहना है, 11.3 आपको डाउनलोड करना है, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। देखा यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सक्सेसफुल हो गया जैसे यहाँ पे आपकी फ्लैश हो चुकी है। बैक अब देखो यहाँ पे आप कर्नल भी फ्लैश कर सकते हो, बूट भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, बट मैं कर्नल यहाँ पे कर रहा हूँ। इंस्टॉल जिप ये आपको लाइटनिंग करने वाला टेरेबल 3.2 कन्फर्म टू फ्लैश। ऑक्सीनस का यहाँ पे कर सकते हो, सोवियट भी आप कर सकते हो, बहुत टेरेबल कर्नल अवेलेबल है, बट बिने चुने करना भाई। बट मेरे हिसाब से जो डेवलपर ने भी रिकमेंड करा है वो भाई ये ठीक है, लाइटनिंग कर्नल आपका टेरेबल कर्नल, नॉन टेरेबल भी है दोनों एक तरह से, और आपका टेरेबल भी है। देखो टेरेबल नॉन टेरेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, टेरेबल स्टेटस सपोर्टेड, सो यहाँ पे आपका फ्लैश हो चुका है। सो यहाँ पे आपका कर्नल यू कैन सी गाइस कर्नल हैज बीन सक्सेसफुली फ्लैश्ड। अब बैक आना है, बैक आने का नाउ वी हैव टू फ्लैश परमेश्वर वर्जन 5, ये आपका इंस्टॉल यहाँ जिप कर रखा था मैंने, परमेश्वर वर्जन 5 यू हैव टू इंस्टॉल नाउ। सो इंस्टॉलिंग परमेश्वर वर्जन 5, सो नाउ आई मीन सो नाउ यू कैन गाइस यू कैन सी आई मीन परमेश्वर वर्जन 5 हैज बीन सक्सेसफुल फ्लैश। सो गाइस नाउ यू हैव टू डू रिबूट टू रिकवरी, बिकॉज आफ्टर दिस द प्रोसेस विल बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा गाइस आप ध्यान से करें, बिकॉज यू हैव टू डिलीट सम फोल्डर्स ऑल्सो फ्रॉम द सिस्टम। सो नाउ द प्रोसेस विल बी द इंस्टॉलेशन प्रोसीजर विल बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड आफ्टर रिबूटिंग टू रिकवरी। सो रिबूट टू रिकवरी यहाँ पे कर दिया, डू इंस्टॉल यहाँ पे आपको लिखा हुआ गया कि मतलब कोई ओएस इंस्टॉलेड है, अगर कोई एरर आता कि नो ओएस वाला तो समझ जाते भाई फिर जीएसए समझ लो कि बूट ही नहीं होएगी, बट वो ऐसा कोई भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आया कि नो ओएस इंस्टॉलेड। यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं यार सिस्टम में, कम से कम अगर मैं वीडियो की लाइन लगूँगा इसमें मेरा ही फायदा है, और आपको भी फिर ज़्यादा लंबा देखना नहीं पड़ेगा। अगर हाँ, और दूसरी बात अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ब्लैक स्क्रीन कुछ भी, तो भाई एक बार सिंपल TWRP फ्लैश कर लेना, वो भी इधर फिक्स हो जाएगा। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है कहने का मीनिंग है।
सो गाइस आफ्टर रिबूटिंग टू रिकवरी इफ यू फेस एनी इश्यूज लाइक ब्लैक स्क्रीन इशू और यू वॉन्ट यू कॉन्ट बी एबल टू बूट इन टू योर TWRP रिकवरी आई मीन GeoFix 92 सिंपल यू हैव टू फ्लैश आई मीन आफ्टर दैट सिंपल यू हैव टू फ्लैश द सिंपल TWRP नॉट टेरेबल सिंपल TWRP एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू बूट इन टू बूट लोडर एंड देन यू हैव टू फ्लैश द कॉस्मिक डैन रिकवरी Resort manager. Okay, so link will be in the description. You can see now I am using Cosmic Dang Recovery because kernel guys आप flash करते हो तो थोड़ी problem आ जाती थी कि जो आपकी जो जिस recovery से आपने वो kernel flash करा था terrible kernel फिर वो recovery थोड़ी देर के लिए use नहीं हो पाती मतलब फिर आपको stock room flash करनी पड़ेगी फिर आप उस recovery को use कर सकते हो but Cosmic Dang Recovery हमारे पास है तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी. Cosmic Dang Recovery आपको दो files download करनी है, एक आपकी Cosmic Dang Recovery होगी boot only वाली, वो जीव फाइल उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको देन यू हैव टू फ्लैश डेट कॉस्मिक डैन रिकवरी वाया आई मीन CMD कमांड एंड देन यू कैन बूट इनटू योर TWRP टेरेबल रिकवरी. ठीक है, तो आपको जीव फाइल मत फ्लैश करना, आप टेरेबल रिकवरी से ही जो आपकी आई मीन CMD कमांड है उधर से जो बूट ओनली है उसको आप फ्लैश कर लेना जीव को एक्सट्रैक्ट करने के बाद. सो आप हम यहाँ पे टेरेबल रिकवरी में पहुँचे एंड इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम गाइस यू कैन text me in the telegram also or you can ask me in the comment section also. So यहाँ पर आपका सारा डन हो चुका है. Now we have to flash, before that we have to mount our system, mount system data and vendor. यहाँ पर आपका हो गया सारा. So back आने का now we have to delete some folders. So advanced file manager, wait, system. Yeah, so now we have to go into system and then again system because we have two partition. One system will be in, empty and then second system file will be loaded with files like app, data, private apps like this. So yahan pe aapka ek minute system ye ra app mein jana hai and now we have to delete some apps. So द स्पेसिफिक एप्स वी हैव टू डिलीट आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. जो जो भी गाइज आपको एप्स डिलीट करने हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा. तो सबसे पहले जो हमारा होगा भाई वो होगा आपका DAX सर्विसेज. मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपका हीरा DAX सर्विसेज वी हैव टू डिलीट दिस फर्स्ट वन डिलीट बैक एंड देन आफ्टर दैट वी हैव टू डिलीट no cutout overlay .apk so see guys all specific and particular app I will provide in the description because I will find ek bhi guys main app find karunga to bahut time lag jayega. theek hai, jo bhi delete karne apps main aapko description mein provide kar dunga. theek hai, jo bhi aapko specific app hai ek ek karke sare main aapko description mein provide kar dunga. So guys, all apps has been deleted successfully in this folder, this app folder. And after that, थोड़ी और apps भी guys remaining यहाँ पे. Now we have to go into private folder and then we have to delete some apps. 6 to 7. Here it is. Here आपका guys private folder. So again, all folders we have to delete. I will provide in the description also. जो भी guys specific folders delete करने हैं description में आपको मिल जाएंगे. क्योंकि यार मैं एक एक करके बताऊँगा तो video आपको पता लंबी हो जाएगी. So कोई फ़ायदा नहीं है. So guys, after deleting some APK in private apps, now guys, हमें friends एक मैं आपको folder link description में दूंगा जिसका नाम होगा ABZUI11 fix patch. It's not a patch, you have to extract that particular folder जो भी होगा मैं जो भी क्या ZUI का fix patch है उसको आपको extract करना है और उसमें थोड़ी बहुत folder जो भी आपको मैं description में provide कर दूंगा जो आपको copy करने हैं in app folder also and in private apps also. ठीक है, सो उसका ही मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा उस पैच फाइल का. यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट फाइल गाइस बिकॉज यू हैव टू कॉपी सम फोल्डर्स लाइक XUI कैलकुलेटर XUI कैलेंडर टू एप फोल्डर एंड सम टू प्राइवेट ऐप ऑल्सो इन द सिस्टम. सो वो भी इधर आपको कॉपी करनी है. हियर इट इज गाइस, यू कैन सी ZUI 11.3 AB पैच सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड and some files you have to copy like
एक्स यू आई कैलेंडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ फाइल्स आपको यहाँ पे फोल्डर्स कॉपी करने हैं। सो फटाफट यहाँ पे हमने क्या करना है, एडवांस में जाना है, आपका फाइल मैनेजर अपर लेवल आपका हो गया। उसके बाद हमने अब फटाफट एफ फोल्डर में जाना है, आई मीन जहाँ पे हमारी फाइल्स रखी सबसे पहले वहाँ पे जाना है। या सो हेट इज़ एच डी कार्ड, नॉट वन ओनली एच डी कार्ड, बिकॉज वन इज फॉर जो आपने एच डी कार्ड इंस्टॉल करा होगा वो शो होगा उधर। हेर इट इज़ जेड यू आई 11.3 ए बी पैच सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड एंड फर्स्ट फोल्डर वी हैव टू कॉपी गाइज, ये रहा आपका एक्स यू आई कैलकुलेटर, टैप मूव डायरेक्ट सिस्टम एंड इन दिस फोल्डर ऐप फोल्डर नॉट प्राइवेट ऐप्स फर्स्ट विल बी इन ऐप फोल्डर एंड कन्फर्म। वेट अ मिनट फेल्ड, वेट अ मिनट नॉट मूव फोल्डर, वी हैव टू ओनली डू अ कॉपी, सॉरी। सो यू कैन सी गाइज वी हैव कॉपी द फाइल गाइज ऑफ एक्स यू आई कैलकुलेटर एंड इफ यू फेस एनी एरर लाइक अपडेटेड वन सिंपली रिबूट टू रिकवरी आफ्टर दैट इट विल बी फिक्स्ड। ठीक है, कोई भी अगर गाइज एरर फिक्स आई मीन कॉपी के टाइम को भी एरर आप फेस करिए, जैसे अपडेटेड वन हो गया या अपडेटेड टू हो गया, अपडेटेड टू में अपडेटेड वन ही आता है मोस्टली, क्योंकि आप बहुत देर तक आपके सिस्टम में मतलब एडिट कुछ कर रहे होते हो या कॉपी फाइल्स कर रहे होते हो, तो एक बार रिबूट आप कर लेना, क्योंकि आपको पता है हमने कम से कम 7 से 8 फोल्ड डिलीट कर लिया, तो एक बार उसके बाद रिबूट टू कर रिकवरी कर लेना, सब कुछ सही हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका एक्स यू आई का जो है वो यहाँ पे जा चुका है, कॉपी हो चुका है। एंड सेकंड फाइल वी हैव टू कॉपी एक्स यू आई कैलेंडर, सारा का हल्का सा चाइनीज ब्लॉटवेयर है यार, जब भी जो भी आपको मैंने ऐप्स है वो सारे रिमूव कर दिए हैं, ताकि कम से कम चाइनीज ब्लॉटवेयर हो। वैसे तो अब सब कुछ रिमूव हो चुका है, हाँ मानता हूँ भाई जो आप जी एस ए यूज़ कर रहे हो वही एक तरह से चाइनीज़ के, मैं क्या बोलूँ। सो एक्स यू आई आपका यहाँ पे हो गया कैलेंडर, उसको कॉपी करना है, कॉपी फोल्डर हो गया यहाँ पे आपका, और सिंपल यहाँ पे आपका पेस्ट हो गया। सेकंड यहाँ पे हमने करना है हमारा हो गया एक्स यू आई रिकॉर्डर, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए रिकॉर्ड करने के टाइम, कॉपी फोल्डर और इधर भी आपका। अब देखा जैसे ही अगर ये एरर आते हो तो बस सिंपली रिबूट टू आप रिकवरी कर देना, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइस फाइल्स आपकी ऑलमोस्ट कॉपी हो चुकी है सारी, एक्स यू आई कैलकुलेटर हो गया, कैलेंडर हो गया, और आपका रिकॉर्डर में पहली चीज़ अभी, क्योंकि अगर आपको एरर आते हैं जैसे अपडेटेड वन आफ्टर रिबूट इन टू रिकवरी ऑल्सो इट्स नॉट फिक्सिंग, तो समझ जाओ आपका जो स्पेसिफिक फोल्डर था पहले से ही कॉपी हो रहा है, क्योंकि यार डेवलपर ने ही मुझे बता रहे कि 5-6 फोल्डर हमें कॉपी करने, तो डेट्स में वही फॉलो कर रहा हूँ यार, मुझे तो पता नहीं भाई क्यों वो एरर आ रहा है बार बार आफ्टर रिबूट इन टू रिकवरी। बट जैसे आपका यहाँ पे एक्स यू आई रिकॉर्डर वो पहले से ही आपके प्राइवेट आई मीन जो आपका सिंपल ऐप फोल्डर था उसमें अवेलेबल था, नॉट प्राइवेट ऐप्स, जो आपका सिंपल ऐप फोल्डर था। ठीक है, अगर आपका एक्स यू आई नोट्स ना हो रहा तो भाई आप उसको इग्नोर करो, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं। जो हमारा जब लास्ट स्टेप जो आपका बचा है वो आपका है दो फाइल्स इधर हमने कॉपी करनी है, अपर लेवल आना है, अपर लेवल के हमने जाना है प्राइवेट ऐप्स में, जो आपका फैल पहली यहाँ पर फाइल होगी होगी आपकी जेड यू आई सिस्टम यू आई की, इसको इधर हम कॉपी कर देते हैं। एक मिनट, हाँ माउंट कर लो पहले, यस मैंने माउंट कर रखा है, आई मीन एडवांस फाइल मैनेजर, ये आपको मैं दिखा देता हूँ एक मिनट। ये देख सकते हो आप एक्स यू आई कैलकुलेटर होगा, कैलेंडर होगा, रिकॉर्डर होगा, नोट्स आप इग्नोर करो अगर नहीं हो रहा, इतना कोई कंपलसरी नहीं है, प्ले स्टोर से भी थर्ड पार्टी आप नोट्स कर सकते हो डाउनलोड। मेन था रिकॉर्डर, वो मैंने इधर आपको कॉपी करवा दिया, मतलब वो पहले से ही था, अगर नहीं हो रहा है तो उसको भाई इग्नोर कर सकते हो आप, क्योंकि मुझे पता है यार वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, बट किसी किसी को समझ नहीं आ रहा, जब कहते भाई वो आराम से बताया करो। सो यहाँ पे आपका अपर लेवल आना है, अपर लेवल ये रहा आपका एच डी कार्ड सिस्टम, प्रोडक्ट में तो नहीं जाना है, ओवरले हो जाएगा फिर वो फ्लाइम और वो हो जाएगा आपका। इधर आपने प्राइवेट ऐप्स में जाना है जेड यू आई, इसको इधर हमने कॉपी फोल्डर कर देना है, अपर लेवल आना, अगर अपडेटर वन का एरर आता है तो एक बार रिबूट टू रिकवरी कर लेना, शायद मेरा अपडेटर वन का लेवल आएगा, बट मैंने रिबूट टू रिकवरी कर रखा है, अपर लेवल प्राइवेट ऐप्स शायद आएगा, आया मुझे पता ही था, तो एक बार रिबूट टू रिकवरी कर लेना यार, वो फिक्स हो जाएगा। अगर स्टिल फिक्स नहीं होता तो बट स्टिल यार डेल्प ने मुझे यही प्रोवाइड कर रखा है, मुझे नहीं पता भाई क्यों। सो गाइस अब यहाँ पे मैंने टी डब्ल्यू आर पी इंस्टॉल यहाँ पे फ्लैश कर लिया, और आपका डिस्टॉल मैनेजर का मैंने जस्ट अभी फ्लैश करा, क्योंकि बार बार फिर मुझे सी एम डी से फ्लैश करना पड़ता था। ठीक है, मैंने वही कहा अगर आपको इफ़ यू फेस एनी ब्लैक इशूज आफ्टर रिबूटिंग आई मीन आफ्टर फ्लैशिंग द परमेश्वर वर्जन 5 एंड देन यू हैव टू रिबूट टू रिकवरी
एट दैट टाइम यू फेस एनी ब्लैक इशू और यू आर वोंट एबल टू बूट इनटू TWRP TWRP सिंपल यू हैव टू फ्लैश सिंपल TWRP नॉट TWRP एंड देन यू हैव टू फ्लैश द कॉस्मिक डैन रिकवरी कॉस्मिक डैन रिकवरी एस रिसोर्ट मैनेजर लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे अब हमने क्या करना है फ्रेंड, जो हमारी लास्ट फाइल बची थी कॉपी करने के लिए वो थी आपकी ZUI सिस्टम UI। सबसे पहले यहाँ पे हमने माउंट कर लेना है सिस्टम और आपका वेंडर। सो एडवांस मुझे पता है इस वीडियो लंबी हो चुकी है बट स्टिल यार मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जो डेवलपर ने बोला ये मैं वही डिलीट कर रहा हूँ और भाई ये मैंने कुछ ऐसे ही बनाई नहीं है, जेनरिक सिस्टम इमेज है। हाँ जो स्टेप्स है वो डेवलपर ने प्रोवाइड कर रखे हैं। सिस्टम यहाँ पे आपका हो गया सिस्टम जीरा। अरे पहले फाइल तो उधर से कॉपी कर लो, क्या हो रहा है आज। एसडी कार्ड 1 ZUI सिस्टम UI प्राइवेट एप्स कॉपी फोल्डर सिस्टम प्राइवेट एप्स इधर कॉपी कर देना, इधर आप ही कॉपी होगी। जैसे मैंने कहा था अगर आपको ऑपरेटर बन कर रहता है तो भाई सिंपल यार रिबूट टू रिकवरी कर देना। ऐसे ही अगर आपको XUI नोट्स कॉपी हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो भाई आप उसको इग्नोर करो। अब जो यहाँ पे लास्ट फाइल आपकी बची हुई है नॉच किलर की, वो भी APK है, उसको भी हमने यहाँ पे अभी कॉपी करना है। जो नॉच किलर होगा फोल्डर उसको भी हमने वही कॉपी करना है प्राइवेट ऐप्स में। तो एक बार हम कॉपी कर देते हैं जो आपको नॉच किलर है। वैसे इधर दे रखा था बट इधर अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट, इधर भी APK वो अवेलेबल नहीं है, देना चाहिए, प्रोवाइड नहीं कर रखा है। स्टिल मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस अब हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू गाइस कॉपी, आई वाज सेइंग नॉच किलर, नाउ वी हैव टू कॉपी दैट APK इन प्राइवेट एप्स। सो माउंट सिस्टम वेंडर एंड गाइस अगर थोड़ी आपको पीछे से आवाज़ आ रही है तो भाई सॉरी प्लीज़ उसके लिए यार। सो यहाँ पे फटाफट यहाँ पे एडवांस में जाना है, फाइल मैनेजर आपका SD कार्ड, क्योंकि इसके ये रहेगा जो फाइल्स है सारी हमें फ्लैश करनी है। थोड़े मॉड्यूल्स भी यहाँ पे पबजी के लिए थोड़ी गेमिंग एक्सपीरियंस सही होगी क्योंकि GSI है तो कुछ तो हम ट्राई करेंगे यार। तो डेवलपर ने यहाँ पे थोड़े दिए और यहाँ पे आपका जैसे मैस्क भी हो गया वो भी मैंने यहाँ पे फ्लैश करना है। तो सारी फाइल्स मैं आपको एक फोल्डर डिस्क्रिप्शन दे दूँगा जिसमें आपका मॉड्यूल्स प्लस आपके जो भी पैचेज है, मॉड्यूल नहीं पैच कोई पैच नहीं, मतलब एक मॉड्यूल है और जो आपका गूगल पे सर्विसेज हो गया और आपका मैस्क हो गया। सो आई विल क्रिएट अ वन फोल्डर एंड ऑल फाइल्स इन दैट फोल्डर गाइस, ठीक है। जो न्यू फाइल्स है उसको कॉपी कर दूंगा उस फोल्डर में और उसका G Drive मैं आपको बना दूंगा। सो यहाँ पे न्यू फोल्डर में जाना है। न्यू फोल्डर में जाने का ये नॉच किलर APK कॉपी फाइल करना है। कॉपी फाइल करने के बाद हमने जाना है सिस्टम द्वारा और ये रहा आपका प्राइवेट एप्स कॉपी, यहाँ पे आपका हो गया कॉपी, ठीक है। सो अब बैक आना है, बैक आने को नाउ वी हैव टू फ्लैश आर मैजिस्क एंड अपडेट रिबूट टू सिस्टम न्यू फोल्डर मैजिस्क 19.3 कन्फर्म टू फ्लैश। सो लास्ट गाइस आपकी फाइल है, उसके बाद आपके सारे मॉड्यूल्स और गूगल पे सर्विसेज बच जाएंगे बस। प्रोसेस बहुत लंबा होगा गाइस बट स्टिल अगर आपको ZUI 11 स्टेबल जैसे चाहिए तो भाई एक यूज़ कर सकते हो कि भाई स्टॉक रूम से भी थक गए, MIUI 11 से भी थक गए, तो कुछ अगर नया ट्राई करना है तो गाइस आप ये ट्राई कर सकते हो। 19.3 वाला ही फ्लैश करना है भाई, बाद में उसको अपडेट कर लेना, लेटेस्ट डायरेक्ट फ्लैश मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका डन हो चुका है, वीडियो भी गाइस कम से कम 20-25 मिनट की बनेगी। पीछे अगर आपको आवाज़ आ रही है तो भाई उसके लिए थोड़ा यार सॉरी, ठीक है। थोड़ा अगर आपको आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे रीपैकिंग बूट इमेज हो रहा है, मैस्क यहाँ पर आपका फ्लैश हो चुका है, बैक आना है, बैक आने के बाद रिबूट टू हमने यहाँ पे सिस्टम कर देना है। सो वेट एंड वॉच करते हैं भाई। तो गाइस GSI यहाँ पे आपकी सक्सेसफुल फ्लैश हो चुकी है। हाँ भाई लैंग्वेज चेंज करनी है थोड़ी, तो फटाफट आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग में आने के बाद गाइस आपका वही सेम है, थर्ड लास्ट ऑप्शन में जाना है, ऊपर वाला एयर आपको क्लिक करना है, इधर फिर दोबारा क्लिक करना है एंड देन यू हैव चेंज योर लैंग्वेज टू इंग्लिश, टैब यहाँ पे आपने कर दिया।
थोड़ा हाँ भाई अभी टच का थोड़ी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको जो टच इंप्रूवमेंट का एक मॉड्यूल होता है मैं इसको भी इधर हमने फ्लैश करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमने ये करना है, एक बार ब्लूटूथ को यहाँ पे बंद कर देते हैं। बहुत स्टेबल GSI है यार, बहुत फटाफट बूट भी होगी, विद इन 6 to 8 seconds में आपकी GSI बूट होगी, ज़्यादा 10 seconds। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आपका फाइल मैनेजर में इधर हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है, या बेसक तो ये जो नोट्स वाला था मैंने आपको बताया था इधर कर सकते हो वेटिंग में, अभी वो तो आपको जो भी आप यार डाउनलोड कर सकते हो थर्ड पार्टी अगर आपको करना है। सो इंटरनल स्टोरेज में जाना है, इंटरनल स्टोरेज में जाने के बाद जो मैंने एक अलग से न्यू फोल्डर बनाया था इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमने गूगल पे सर्विसेज इंस्टॉल करना है। सो स्टार्टिंग ऐप हो रहा है, इसको फटाफट यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल यहाँ पे क्लिक कर देती है, आपका प्ले स्टोर जो भी है वर्किंग हो जाएगा, वाईफाई से भी कनेक्ट कर लेते हैं डिवाइस को, मैंने मोबाइल डेटा पे है। यहाँ पे आपका फ्लैश हो चुका है, गूगल पे सर्विसेज मैंने बैक कर दिया था। सो फटाफट यहाँ पे एक बार वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं फ़ोन को, फिर मैं उससे पहले आपको उसके बाद यहाँ पे हमने करना है एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू, इसको भी यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। एक मिनट, पहले वो इंस्टॉलेशन फेड होगी, पहले प्ले स्टोर को करना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ, लिंक अभी इसका आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा मैं। सो गाइस अब वहाँ पे हमने प्ले स्टोर का भी एपीके भी यहाँ पे हमने फ़ोन में कॉपी करके इंस्टॉल कर लिया, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्ले स्टोर एपीके गाइस। सो यहाँ पे आपका भी वर्किंग है और फटाफट यहाँ पे गाइस अब हम एक बार फाइल मैनेजर में चले जाते हैं। इंटरनल स्टोरेज आपका जो मेरा न्यू फोल्डर था जो भी सारी फाइल्स थी उसमें एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू पहले से मैंने यहाँ पे कर लिया था। अब सिर्फ यहाँ पे आपको बचा है गाइस आपके जो मॉड्यूल्स हैं, ना ओनली वी हैव टू फ्लैश मॉड्यूल्स वाई मैजिस्क, ठीक है, फॉर बेटर एक्सपीरियंस इन गेमिंग ऑल्सो बिकॉज इट्स अ GSI फ्रेंड्स, तो आपको पता है परफॉर्मेंस और बैटरी के बारे में। सो मैजिस्क में जाना है, अभी देखो अपडेट मांगेंगे तो इतना कोई नहीं है, मॉड्यूल्स में जाके उधर जाना है गाइस, इन शो इंटरनल स्टोरेज, फिर आपका न्यू फोल्डर एक एक करके गाइस सारी फाइल्स यहाँ पे आपको फ्लैश करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपका ये हम कर लेते हैं, ये आपका डन हो गया, बैक आने के बाद एक और सारी फाइल्स, गेमिंग एक्सपीरियंस वाला जो मॉड्यूल वो भी इधर हमारा डन हो चुका है। बैक आने के बाद आपकी जो थर्ड फाइल ये रही GPU टर्बो बूस्ट, ये भी आपका यहाँ पे डन हो चुका है। सो दोबारा यहाँ पे हमने जाना है, ये रहा आपका इंप्रूवमेंट्स इन गेमिंग एक्सपीरियंस, ये भी इधर आपका डन हो चुका है। सारे मॉड्यूल्स है गाइस ये आपके, और ये तो मैजिक का था आपका, ये आपका एक पैच है कैमरे का, जी कैम आप इसमें यूज़ कर सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। सो अब यहाँ पे जो आपकी फाइल बची आपकी रैम मैनेजमेंट का भी एक मॉड्यूल है, जो आपकी लास्ट फाइल हो गया आपकी टच इम्प्रूवमेंट्स की, हो गया सब कुछ। सो बैक आने के बाद यहाँ पे हमने अब सीधा रिबूट टू सिस्टम कर देना है। सो वेट एंड वॉच यार, सो रिबूट टू सिस्टम आने के बाद गाइस अगर आपको इसको हटाना है तो भाई इस पर हल्का सा आप क्लिक कर दो, इन्फो में जाओ यहाँ पे और डिसेबल कर दो इसको। डिसेबल ऐप करने के बाद ये इधर आपका रिमूव हो गया, मॉड्यूल जितने भी थे सारे आपके हो चुके हैं, और ये जो आप कह रहे हैं मैं आपको कह रहा था ना चाइना का जो ब्लॉटवेयर है चाइनीज ब्लॉटवेयर है ये सारे आपके रिमूव हो रखे हैं, अगर आपको कहना है तो आप एक एक करके इनको रिमूव भी ऐसे कर सकते हो, ये सारे डिसेबल हो रखे हैं। एक मिनट इनमें टैग करा सारे आप जैसे यूसी ब्राउज़र टिकटॉक बेकार दिमाग खराब सबसे बेकार ऐप है आज तक इंस्टॉल ही नहीं करा, एक करके सबको हटाओ, सबसे पहले टिकटॉक को लो, सारे डिसेबल है गाइस। सो गाइस सारे जो ऐप्स यहाँ पे रिमूव करने के बाद सिर्फ जो आपका रिमेनिंग होगा गाइस वो होगा इधर आपका कैमरे का। सो फॉर डैट गाइस यू कैन यूज़ जी कैम आप यूज़ कर सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्ले स्टोर पर लॉगिन सब कुछ कर लेना है, यहाँ पे आपका वर्किंग है, कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं है और सब कुछ यार बेस्ट है। ओके सो फटाफट इसके अवार्ड सेक्शन में भी हम चले जाते हैं, वही आपका Z6 Pro है 5G, जो मतलब GSI है यार, अब हम क्या कह सकते, ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। और तो यहाँ पे आपका बस यही है टोटल ZUI वर्जन 11.3.245, बट जो प्रीवियस मैंने वीडियो बनाई थी उससे तो बेटर है यार ये, ठीक है। सो ये टोटल आपका था ZUI का,
आपकी टोटल इंस्टॉलेशन वीडियो थी कैसे GSI को इंस्टॉल करना है हमारे पोको मी A1 में यार बार बार पोको F1 निकल रहा है और वही आपका बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 9 है यार। ओके सो कन्वर्जन यहाँ पे मैंने आपको जो टेरिबल बोला था वही हमने यहाँ पे फ्लैश करी है और तो यहाँ पर अदर कुछ है नहीं। बेस्ट वर्जन हो गया एंड्रॉइड 6.30 पैच October 1 का है 2019 बट स्टिल यार स्टेबल इतना आपको श्योरिटी दे सकता हूँ मैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। MTP सब कुछ ऑलमोस्ट वर्किंग है यहाँ पे, फ्लैश लाइट सब कुछ यहाँ पे आपका वर्किंग है। ये मेन बग्स ही होते हैं MTP के, फ्लैश लाइट के, हॉटस्पॉट के, हॉटस्पॉट भी इधर आपका वर्किंग है। सो ठीक लगता है यार, अच्छी स्टेबल GSI है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका हॉटस्पॉट भी यहाँ पे कनेक्टेड है ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं है आपको। सो गाइस अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना और वीडियो को गाइस शेयर करना भूलना। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप, लिंक विल बी आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू अपडेट एंड ऑल फाइल्स लिंक विल बी आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और इन सबको हटाने के लिए गाइस इसको आप रिमूव भी कर सकते हो सीधा, जो कचरा भरा हुआ है यहाँ पे चाइनीज ब्लॉटवेयर का उसको यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हो। ओके गाइस जय हिंद, वंदे मातरम।